तो नमस्ते YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स YouTube फॉर गिव मी द मार्केट मार्केट देने के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ और YouTube की वजह से मुझे दो तीन ग्राहक मिले हैं, कस्टमर मिले हैं, जहाँ पे मुझे अपना अंडों का सैंपल भी देना है, कड़कनाथ अंडों का कि है कि नहीं है। उन लोगों को चाहिए सैंपल, अच्छा है। और कुछ लोगों ने डिमांड किया, मैं उनकी भी वीडियो बनाऊँगा जिन्होंने डिमांड किया है। और YouTube को थैंक्स बोलना था कि मुझे एक मार्केट देने के लिए, किसान को चाहिए ये एक मार्केट कहीं ना कहीं से। तो YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद। और जा रहे हैं हम लोग, और पीछे पीछे मेरी गाड़ी है और जा रहे हैं हम लोग वहाँ। पीछे जीजा भी खड़े हैं, जीजा रहते ही और वीडियो में मेरे साथ लगभग। और अच्छा से व्यू आ रहा पीछे, ये अपना नाई गाँव है और पाव की देवी है पीछे। वहाँ की वीडियो डाली थी मैंने पीछे, वहाँ पे गजेंद्र राणा सर आए थे और फार्म में बारिश हुई यार। पीछे आप बादल देख रहे होंगे, तो बाद बारिश हुई अचानक से, हम लोगों ने बरसातें हटा दी थी। पुराना मकान था तो पानी भर गया अंदर, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा कीचड़ भी हो गया पूरा। तो पूरा काम करना पड़ेगा अभी, पूरा हम बाहर निकालेंगे मुर्गियों को, उनको फ्री रेंजिंग करवाएंगे और वहाँ चुन्ना डालेंगे और उसके बाद सैनिटाइज करेंगे पूरा रूम को। और उसके बाद उसमें धान का भूसा डालेंगे और थोड़ा सा रेत और लकड़ी का भूसा डालते हैं उसके ऊपर हम लोग। और ये चल रहा है अभी, कुछ दो तीन दिन और बारिश रहेगी, पर हम लोग ऊपर बरसात ही डाल रहे हैं। पता नहीं था कि एकदम से आएगा, मैंने कुछ दिन पहले मैंने वेदर का देखा नहीं, तो थोड़ी सी गलती होगी, पर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को कौन कौन है हमारे। और सबसे पहले हमारे प्रदीप राणा हैं, पुरवाला के हैं, और मैं उनको भाई बोलूँगा, सर बोलूँगा और अच्छा है। तो सबसे पहले उनका है, उनका मैं यहाँ पर डालता हूँ स्क्रीन शॉट, उनका गूगल पे किया है जो उन्होंने। एक ट्रे बोला था उन्होंने घर, वैसे दो ट्रे का ऑर्डर आया था तो दूसरी जगह मैं पहुंच नहीं सकता, पहुंच जाऊंगा, ऐसी बात नहीं। वहाँ के रोड बंद है अभी बारिश की वजह से, कुछ दिन बाद वहाँ भी हम सर्विस देंगे। और देहरादून से दो ऑर्डर, वहाँ पर भी अभी मैं जा नहीं रहा, कोई जाएगा तो वहाँ का डिलीवर करेंगे हम लोग, फ्रेश अंडे भेजेंगे वहाँ भी। और चल रहा है, घर में भी अच्छे से बिक रहे हैं, गाँव में, गाँव में तो बिल्कुल नॉर्मल अंडों के रेट पर दे रहे हैं हम लोग। और जैसे शहरों में ट्रैवलिंग 400 ये सब पकड़ रहे हैं हम, ज़्यादा महंगा नहीं दे रहेंगे और अच्छा सा चल रहा है। तो जो अंडे हैं मैं ये वाले डब्बे में ले जा रहा हूँ तो सेफ रहेंगे, और कम से कम दो ट्रे अंडे आए हैं इसमें, 60 अंडे आए हैं तो एकदम बढ़िया है, मेले सेफ रहेंगे और बैग में फटेंगे भी नहीं। तो ऐसे दो तीन डब्बे आ जाएंगे मेरे बैग में बड़ा बैग। तो हम लोग गुल्लर पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमारे जिनको हमें अंडे देने हैं वहाँ जा रहा हूँ मैं। और विकास सर हैं, बहुत फेमस आदमी हैं, उनको दे रहे हैं तो उनको मिलाता हूँ। हमारे टीचर भी हैं, गुरुदेव हैं हमारे, उससे मिलते हैं और हाल चाल पूछते हैं उनका, कैसे हैं क्या है, रूबरू होते हैं। तो हमारे साथ हैं विकास सर, और उन्होंने हमें 11th में पढ़ाया है और उनका कॉल आया था कि उनको अंडे चाहिए। तो मेरे ऑनलाइन जहाँ पे मैंने वीडियो डाली थी वहाँ से उन्होंने बुलाया है मेरे को, तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बहुत अच्छी टिप्स दी है मुझे। उम्मीद है फ्यूचर में उनको इस चैनल पर लाऊँगा मैं साथ में, और उनके साथ हूँ यहाँ पे, उन्होंने अंडे लिए हैं सामने। तो ये अच्छी पैकिंग बाद में देंगे हम, इतना अभी भाई अपने पास बैलेंस नहीं है। पर सर हैं, मैं चाहता हूँ सर कुछ बोले आजकल युवाओं के लिए। मैं तो सबसे पहले आपको अर्जुन भाई, तो अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ के शिक्षा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं भी उस क्षेत्र में धीरे धीरे आप लोगों के साथ जुड़ करके जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। और आप जो काम कर रहे हो, आप एक इंस्पिरेशन हो हमारे गांव में दोगी पट्टी के लिए। जितने युवा हैं वो सब देखिए, और मैं तो सबको बोलूंगा कि अर्जुन भाई से आप लोग जरूर कोई भी चीज, आपको सहयोग की जरूरत पड़ती है मुर्गी पालन को लेकर के, फार्मिंग को लेकर के, आपसे जरूर वो लोग टिप्स लें, और जहां पर भी उनको सहयोग की जरूरत है आप भी उनकी मदद करें। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। तो विकास सर ने स्कूल खोला है यहाँ पे और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और पूरा एक इंस्पिरेशन वाला वो आ गया फील कि हाँ भाई अब तो करना ही है ऐसे। और उनको मार्केट हमें खुद ही देना है, तो आज मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, मैंने कहा था। और अब चलते हैं ऋषिकेश में, चलना है एक दो जगह सैंपल देना है, वो लोग तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और श्यामपुर में भी देना है, आप लोगों को भी अंडे चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप लोग, और बिल्कुल सस्ते हैं, अच्छे हैं, और आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हो जहाँ पे सैंपल के लिए जा रहे हैं अंडे। ठीक है, देखते हैं वो लोग कैसे हैं। जीजा पीछे है, जीजा हमेशा हेल्पिंग के लिए तैयार रहते हैं, वो आज भी साथ में हैं। सारे कस्टमर को मैंने अंडे दे दिए थे, और ये सबसे अच्छी बात ये लगा कि धनबाद झारखंड से मुझे कॉल आया कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब में, तो मुझे कौन सी मुर्गी पालन करनी चाहिए। तो मैंने कहा आप मिक्स ब्रीड करो, कड़कनाथ भी रखो, वनराजा भी रखो, डबल एफ जी भी रखो, वहाँ पर सोनाली मुर्गी भी अच्छी मिलती है, तो मैंने कहा वो रखो ताकि आपके पास वैरायटी रहेगी। और बाकी यूट्यूब का फिर से धन्यवाद कि जो कस्टमर देने के लिए, और कस्टमर थे प्रदीप आनंद सर है जो उनका गांव ठीक पीछे है, ये पुरवाला गांव है,
तो यहाँ पे दिया था मैंने, वो तो नीचे रहते हैं, गूगल पेमेंट करी थी उन्होंने। और दूसरा थे विकास सर, उन्होंने भी मुझे बुलाया था, तो विकास सर का भी मैंने वीडियो अभी दिखाई। और तीसरे थे शैलेश, मैं मामू बोलता हूँ उनको, और उन्होंने मंगवाया था देहरादून के लिए, तो अभी कल या परसों तक भेजते हम लोग वहाँ का। और दो तीन डिमांड और आई हैं यूट्यूब के थ्रू, तो धन्यवाद यूट्यूब ने इतना हेल्प किया मार्केटिंग के लिए, और अच्छा चल रहा है। अभी लास्ट टाइम 40 थे तो 47-48 पे चले गए, तो हम लोगों का उम्मीद है कि अगले 10 दिन में हम लोग 60 तक आ जाएंगे और ग्रो करते रहेंगे। अभी मैंने उनको चारा, उनके लिए मक्की मंगवा दी है, मैं चारा पे तो ये पूरी वीडियो बनाऊंगा कि इनको क्या क्या खिलाना, और घास घूस तो अभी उनके लिए घास लेने आया था मुर्गियों के लिए, तो घास ले जाऊंगा अब और खाएंगे वो मस्त से। तो फार्मिंग के बेस पे वीडियो आती रहेंगी, और आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, इसी तरह की फार्मिंग के ऊपर वीडियो आती रहेंगी, और देखते हैं क्या क्या नया होता है तब।